हेलो एवरीवन। तो हम एक और चैप्टर आज खत्म कर देंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तीन सवाल नीट एग्जाम में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से आता है। ज्यादातर सवाल पॉपुलेशन इंट्रैक्शन या पॉपुलेशन वाले पार्ट से आते हैं। नए एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट हटा दिया गया है, बट आपके एनटीए के सिलेबस में है, तो उसको हम लेटेस्ट एनटीए के सिलेबस से जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करेंगे सर इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है भैया? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ए बायोटिक एनवायरमेंट। तो आपस में ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने ए बायोटिक एनवायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। देर आर एट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसे सर? एट लेवल हुआ। मैक्रो मॉलिक्यूल से बायोम्स तक बना, तो मैक्रो मॉलिक्यूल से सेल बना, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। आपके काम की चीज यहां से शुरू होती है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोम। इकोलॉजी चार लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कवर्ड है, जहां पे बात किया हमने ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। बोलो सर इकोसिस्टम क्यों उड़ा दिए? इकोसिस्टम बेटा ए बायोटिक और ऑर्गेनिज्म के बीच का भी रिस्पॉन्स शो करता है, इसलिए इकोसिस्टम को इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो चार लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है सर? ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। और सारा बायोम को आप मिला दोगे तो बना देगा आपका बायोस्फेयर। जैसे अर्थ आपका बायोस्फेयर है ना? अर्थ आपका बायोस्फेयर है। इकोसिस्टम हम अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं, जो चैप्टर आपको ऑलरेडी करा दिया गया है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो उसमें बोल रहा है एक टर्म जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मतलब क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इट्स इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टिविटी क्या है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपने ए बायोटिक इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वहां वो सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस भी कर पाए। ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेस एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड सीजन। बिल्कुल सही। अब आपका टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है अर्थ पे? तो पहला क्या है कि रोटेशन ऑफ अर्थ और किस एक्सिस पे अर्थ टिल्ट कर रहा है उसके बेसिस पे सीजनल वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं और टेम्परेचर में भी चेंज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इक्वेटर के पास जाओगे तो बहुत गर्मी है, फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर की तरफ चले जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चले जाओगे या आर्टिक सर्कल के आसपास चले जाओगे तो वहां पे गर्मी कम होते जाती है। राइट। ठीक है। तो मेजर बायोम्स कौन कौन से सर? पहला है सर डेजर्ट, ठीक है। दूसरा है सर रेन फॉरेस्ट, फिर तुंद्रा है। तो ये सब मेजर बायोम्स है और ये कैसे बनते हैं? इट इज फॉर्म ड्यू टू वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो बेसिकली क्या चीज़? दो मेजर फैक्टर होता है जिसपे ये बायोम बनते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर और दूसरा आता है आपका प्रेसिपिटेशन या एनुअल रेनफॉल, है ना? तो बायोम जब बनते हैं तो ये दो फैक्टर बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, प्रेसिपिटेशन और एनुअल रेन। ठीक है सर। ठीक है सर। तो यहां पे जब आप मेजर बायोम देखोगे तो तुम्हें कुछ चीजें ध्यान से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। तो तुम सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, रेनफॉल बढ़ रहा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है। सबसे कम रेनफॉल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? डेजर्ट में। यहाँ पे देखो लेस देन 50 सेंटीमीटर का रेनफॉल जो है आपका डेजर्ट में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। आर्टिक टुंद्रा और या एल्पाइन टुंद्रा देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे मतलब परमा फ्रॉस्ट है, परमानेंटली यहाँ पे बर्फ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परमा फ्रॉस्ट है। ठीक है। ग्रासलैंड में भी आपको क्या देखने को मिला है? टेम्परेचर थोड़ा कम है, रेनफॉल भी थोड़ा कम है। टेम्परेट फॉरेस्ट में तुम्हारा टेम्परेचर भी कम है और रेनफॉल ठीक ठाक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में भी तुम्हारा टेम्परेचर कम है और रेनफॉल ठीक ठाक है। तो यहां से तुमको टेम्परेचर का रेंज पता चल जाता है और यहां से तुमको इसका रेनफॉल का रेंज पता चल जाता है। इसके लेवलिंग पे सवाल आ सकता है। ठीक है। तो देख लो, डेजर्ट,
सबसे पहले तुम लेवल कर लोगे, है ना, रेनफॉल तुम्हारा यहाँ पे क्या है, सबसे कम है, फिर ग्रासलैंड हो गया, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, और फिर आर्टिक तुंद्रा हो गया। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? बढ़िया, ठीक है। अच्छा क्या और बोल रहा है, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन अ बायोम लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, है ना, अलग अलग बन जाता है। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट इवन इन हार्श एंड एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे राजस्थान के डेजर्ट में तुमको लाइफ मिल जाएगा, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो रेन शोक्ड मेघालय फॉरेस्ट में तुमको लाइफ मिल जाएगा, ओशन ट्रेंचेस गड्ढे ओशन के वहां पे तुमको लाइफ मिल जाएगा, टोरेंशियल स्ट्रीम बहुत तेज धार वाली स्ट्रीम वहां पे तुमको लाइफ मिल जाएगा, पोलर रीजन जहां पे सिर्फ बर्फ है वहां पे तुमको लाइफ मिल जाएगा, एंड हाई माउंटेन टॉप्स यहाँ पे तुमको लाइफ मिल जाएगा, थर्मल स्प्रिंग्स गर्म होते हैं हाइड्रो थर्मल वेंट्स या थर्मल स्प्रिंग्स यहाँ पे तुमको लाइफ मिल जाएगा, और कॉम्पोस्ट पिट्स पॉटी जहाँ पे हो रहा है वहां पे भी तुमको लाइफ मिल जाएगा, इनफैक्ट आपके इंटेस्टाइन में भी इकोलाई रहता है तो यहाँ पे भी आपको लाइफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, द फिजियोकेमिकल एबायोटिक कॉम्पोनेंट दैट इज वाटर लाइट टेम्परेचर सॉइल एंड बायोटिक कॉम्पोनेंट लाइक पैथोजन पैरासाइट प्रीडेटर एंड कॉम्पिटिटर लीड टू वेरिएशन इन डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है, तो एबायोटिक कॉम्पोनेंट क्या क्या है जो आपके हैबिटेट को चेंज करेगा, दैट इज वाटर लाइट टेम्परेचर सॉइल। ठीक है, वाटर लाइट टेम्परेचर सॉइल, और बायोटिक फैक्टर क्या हो जाएगा सर, बायोटिक फैक्टर्स आपके आ जाएंगे तुम्हारे पैथोजन कैसा है, पैरासाइट कौन सा है, प्रीडेटर कौन सा है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है सर, बायोम डिस्ट्रीब्यूशन इज विथ रेस्पेक्ट टू द एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड अ टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे बायोम्स आपको देखने को मिलता है। इंडिया में चार मेजर बायोम है, कौन कौन सा चार मेजर बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, सुंदरबन वाला जो एरिया होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, डेजर्ट और सी कोस्ट, तो ये चार मेजर बायोम इंडिया में, इंडिया में हमको आर्टिक या एल्पाइन तुंद्रा नहीं दिखता, इंडिया में हमको ग्रासलैंड नहीं दिखता क्योंकि हम टेम्परेट रीजन में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? अब आते हैं फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं बायोम को, सबसे पहला आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, कौन कौन सा एबायोटिक फैक्टर वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज टेम्परेचर, मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर इज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिटरमाइन करता है हैबिटेट कैसा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जैसे आप इक्वेटर से दूर की तरफ जाओगे टेम्परेचर कम होगा, और जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, टेम्परेट रीजन में 18-20 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, और तुंद्रा रीजन में टेम्परेचर 0 से भी नीचे जा सकता है। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल सिंक्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर ही डिटरमाइन करता है उस जगह पे क्या वेजिटेशन ग्रो करेगा, जैसे मैंगो ट्री ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करेगा बट इट विल नॉट ग्रो इन कंट्रीज लाइक कैनेडा जर्मनी एटसेट्रा, स्नो लेपर्ड आपको केरला में नहीं दिखेगा, टूना फिश आपको ट्रॉपिकल के बियॉन्ड नहीं दिखेगा, तो ये सब क्या दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उसी हैबिटेट में थ्राइव कर पाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल, कि मतलब क्या है, कम टेम्परेचर में एंजाइम तुम्हारा इनएक्टिवेट हो जाता है, ज्यादा टेम्परेचर में एंजाइम तुम्हारा डीनेचर हो जाता है, तो ये टेम्परेचर उस पर ही बहुत मेजर इफेक्ट पहलाता है। ठीक, द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइंड टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बेस्ड ऑन द थर्मल टॉलरेंस ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप, कैसा, पहला है स्टीनोथर्मल, अगर जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाता है दैट इज स्टीनोथर्मल, अब इसमें एग्जाम्पल गलत लिख दिया है पता नहीं कैसे, ठीक है ये एग्जाम्पल ठीक करना होगा, ये गलत एग्जाम्पल लिख दिया, स्टीनोथर्मल मतलब क्या हुआ, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा रेगुलेट कर पाता है, तो ये ज्यादा जो तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं,
या इसको हम लोग पॉलिकोथर्मल कहेंगे। तो ये क्या होता है बेटा, ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते। यूरीथर्मल तुम्हारा जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, जो अपना इंटरनल होमियोस्टेसिस या टेम्परेचर मेंटेन कर पाते। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसका सर क्या हो जाएगा यूरीथर्मल का, बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है। ठीक, दूसरा आएंगे सर क्या, वाटर। दूसरा सबसे ज्यादा इकोलॉजिकली रेलेवेंट जो फैक्टर है दैट इज वाटर। जैसे डेजर्ट ऑर्गेनिज्म में पानी नहीं होता, तो उसको पानी को बचाने के लिए वो मॉडिफिकेशन या एडाप्टेशन करते हैं जिससे वो पानी बचा पाते हैं, ठीक है। दूसरा, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब इस पे सवाल आया होता है सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना होता है, तो इट इज लेस देन 5 फॉर इनलैंड, 30 से 35 है फॉर समंदर, एंड ग्रेटर देन 100 फॉर हाइपर सलून सलाइन लगून, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। इस पे PYQ है, पता नहीं क्यों PYQ टैग नहीं है इस चैप्टर का, बट ये PYQ में आया हुआ है। तो इनलैंड वाटर का जो सैलिनिटी है वो 5 पार्ट्स पर मिलियन है, PPM कहते हैं इसको। सॉल्टी वाटर का या समुंदर के पानी का आपका 3 से 35, 30 से 35 है, और हाइपर सलाइन लगून का आपका मोर देन 100 है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द टॉलरेंस, ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक होता है यूरी हेलाइन, जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी बर्दाश्त कर लेगा, और दूसरा होता है स्टीनो हेलाइन, जो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल लिख दो, इसमें एग्जाम्पल लिख दो सैमन मछली। सैमन मछली क्या होता है, फ्रेश वाटर में जाती है बच्चा देने के लिए, ठीक। और इसका एग्जाम्पल लिख लो शार्क। शार्क तुमको फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेगा। तो यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन का ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ठीक है। तीसरा जो इकोलॉजिकल रेलेवेंट फैक्टर है दैट इज लाइट। तो प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होता है, प्लांट डिपेंडेंट होता है सनलाइट पे फॉर फ्लावरिंग ऑल्सो, जिसको फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। आपने पढ़ा होगा लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट वगैरह वगैरह, ठीक। तो क्या क्या चीज मैटर करता है, मेनी प्लांट यूज द डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड फोटो पीरियड फॉर टाइमिंग देयर फॉरेजिंग रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज। तो कुछ प्लांट नॉक्टर्नल होंगे, कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होंगे, और कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे डायरनल होंगे। तो कुछ डे के टाइम हंट करते होंगे, कुछ रात के टाइम हंट करते होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब इसमें सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन लैंड, बट अगर समंदर में 500 मीटर नीचे चले जाओगे तो वहां पे क्या है, वहां पे हाइड्रोथर्मल वेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है। वहां पे हाइड्रो थर्मल वेंट जो है तुम्हारा वो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाता है, ठीक है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम तुम्हारा क्या होता है, विबजियोर, जो तुम 400 से 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल है, ठीक है। उससे छोटा है तो अल्ट्रासोनिक आ गया तुम्हारा, और उससे बड़ा है तो इंफ्रारेड आ गया, रेड के बियॉन्ड इंफ्रारेड और इसके भी पहले अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो ये चीज आपका आ गया लाइट पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें कि रेड ग्रीन और ब्राउन एल्गे में, तो सबसे सरफेस पे जो एल्गे रहेगा वो कौन सा रहेगा, ग्रीन, बीच में कौन सा रहेगा, ब्राउन, और सबसे नीचे कौन सा पाया जाएगा, रेड। तो रेड एल्गे इज लाइकली टू बी फाउंड इन द डीपेस्ट वाटर, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो बता दिया, ठीक है। अगला आते हैं सॉइल। तो सॉइल भी इकोलॉजिकली रेलिवेंट फैक्टर है। तो क्या, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल डिफर्स टू क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सॉइल का क्या कंपोजिशन है, ग्रेन साइज कैसा है, और एग्रीगेशन डिटरमाइन करता है उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वाटर होल्ड करता है तुम्हारा क्लेई सॉइल, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है लोमी सॉइल, और सबसे कम वाटर होल्ड करता है सैंडी सॉइल। तो जिसका ग्रेन ज्यादा होगा साइज, वो कम पानी होल्ड करेगा,
ठीक है। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में भी जो सेडिमेंट होता है नीचे सी बेड में, वो डिटरमाइन करता है कौन सा बेंथिक ऑर्गेनिज्म वहां रहेगा। बेंथिक क्यों? क्योंकि वहां सनलाइट नहीं पहुंचता, तो उसको बेंथिक रीजन कहते हैं। तो कौन सा बेंथिक ऑर्गेनिज्म वहां पे रहेगा? ठीक है, तो ये एबायोटिक फैक्टर हो गया। अब इस एबायोटिक फैक्टर पे ऑर्गेनिज्म से रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, तो ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, तो कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं? तो चार तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक होता है रेगुलेट, दूसरा होता है कन्फर्म, तीसरा होता है माइग्रेट, और चौथा होता है सस्पेंड। ठीक है, तो रेगुलेट सबसे पहले, तो क्या है भैया? इट इज मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मींस। ठीक है, तो क्या इंश्योर करता है? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंश्योर करते हैं हम, एंड कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन इंश्योर करते हैं हम। कौन कौन है सर यहाँ पे? बर्ड्स और मैमल जो है आपका होम्योथर्म है, और ये आपका रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स में कैसे थर्मो रेगुलेशन होता है? तो अगर मान लो बहुत गर्मी हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? स्वेट करोगे, कूलिंग इफेक्ट पहुंचेगा और तुम ठंडे हो जाओगे। बहुत ठंडी हो रही है तो तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जिससे हीट प्रोड्यूस होगा, तुम गर्म हो जाओगे। तो यही है। तो द सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, चाहे कहीं भी जा रहा है। तो रेगुलेशन सबसे अच्छा प्रोसेस है, जहां पे हम होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रख पाते हैं। दूसरा होता है बेटा, इसको हम कहते हैं कन्फर्म। बट क्या है कि आइडियली तो सब ऑर्गेनिज्म में रेगुलेशन होना चाहिए, बट रेगुलेशन सब ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को नहीं मिलता। तो 99% एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरमेंट। तो क्या होता है? इनका बॉडी का हालत इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहता है। क्यों ऐसा होता है सर? क्योंकि रेगुलेशन में बहुत इनर्जी लगता है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं? कन्फर्म करते हैं। ठीक है, तो इन एक्वाटिक एनिमल्स ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड चेंजेस विथ एम्बियंट ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन। सेम टेम्परेचर भी चेंज करेगा। और ये क्यों ऐसा होता है सर? बिकॉज थर्मो रेगुलेशन इज इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल एनिमल्स। क्यों? क्योंकि दे हैव अ लार्जर सरफेस एरिया इन रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। तो भाई वो क्या होगा, बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज करेगा, तो उतना हीट जनरेट ही नहीं कर पाएगा कि वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। ठीक है सर, ठीक। देयरफॉर वेरी स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड इन पोलर रीजन। इसको हम कहते हैं बर्गमैन रूल। ठीक है, बर्गमैन रूल में क्या है कि जब बर्ड्स देखोगे तो पोलर रीजन में बड़े साइज के जानवर दिखेंगे, और तुम जब इक्वेटर के पास आओगे तो तुमको छोटे साइज के जानवर दिखेंगे। ठीक है, एक और रूल होता है, इसको हम कहते हैं एलेंस रूल। एलेंस रूल क्या बोलता है कि कोल्ड एरिया में एक्सपोज्ड एक्सट्रीमिटीज, मतलब कान और हाथ, छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, मतलब जैसे ईयर और लिम्स। क्यों भाई? ताकि हीट लॉस एक्सपोज रीजन से कम हो। इसको हम एलेंस रूल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया रेगुलेट, आपने देख लिया कंफर्म। तीसरा होता है सर माइग्रेट। अब रेगुलेट कंफर्म, अगर मान लो बहुत गर्मी है तो तुम क्या करोगे? मनाली चले जाओगे, है ना? तो वही चीज होता है। तो मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स मूव अवे टेम्परली फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट। ठीक है, जैसे विंटर के टाइम में कियोलाडो नेशनल पार्क भरतपुर में साइबेरियन क्रेन्स आ जाते हैं। तो भैया बहुत ठंडी है रशिया में, है ना, साइबेरिया में, तो वहां से ये उड़ के इंडिया आ जाते हैं गर्मी मनाने के लिए। तो इंडिया का टेम्परेचर इसको बढ़िया लगता है, तो जनवरी वनवरी के टाइम में तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं साइबेरियन क्रेन। तो इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। चौथा तरीका है कि भाई ठीक है, अब क्या माइग्रेट करेंगे, इतना ट्रैवल कौन करेगा, तो सस्पेंड कर जाओ। ठीक है, तो क्या करते हैं ये? तो यहाँ पे देखो, जैसे इन बैक्टीरिया एंड फंगाई लोअर प्लांट थिक वॉल्ड स्पोर्स हेल्प टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ये फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, इन हाइयर प्लांट सीड्स एंड सम वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व्स टू टाइड ओवर द पीरियड ऑफ
स्ट्रेस बाय रिड्यूसिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, तो दे जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ प्लांट में तुम्हारा क्या हुआ कि सीड अनफेवरेबल कंडीशन में रहा, फेवरेबल कंडीशन मिला तो जर्मिनेट कर गया। ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है सर, हाइबरनेशन हो सकता है, इसको हम कहते हैं विंटर स्लीप, है ना, ठंडी में सो गया, पोलर बियर दिखाता है। दूसरा आपका एस्टिवेशन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं समर स्लीप, ये आपका स्नेल्स और फिश में देखने को मिलता है। और तीसरा होता है डाइपॉज, जिसको हम सस्पेंडेड डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्पेंडेड डेवलपमेंट मतलब कि वहीं पे सस्पेंड होके डेवलपमेंट शो कर रहा है, जैसे जू प्लैंकटन इन लेक्स एंड पॉन्ड। ठीक है सर, तो ये हो गया सस्पेंड। तो आपने क्या देखा, आपने देखा रेगुलेट, आपने देखा कंफर्म, आपने देखा माइग्रेट, और आपने देखा सस्पेंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एडाप्टेशन की, कैसा कैसा एडाप्टेशन हो सकता है। तो भैया एडाप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, मेरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मेरे बॉडी के फिजियोलॉजी में कोई चेंज हो सकता है, एंड बिहेवियरियल हो सकता है, बिहेवियर में चेंज होगा तो उसको एडाप्टेशन कहते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे ओपुंशिया में क्या होता है, लीव्स आर रिड्यूस इनटू स्पाइंस ताकि वाटर लॉस ना हो, है ना। अच्छा, फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात करेंगे तो कैम पाथवे क्या करते हैं, रात में स्टोमाटा खोलते हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हो गया। बिहेवियरल एडाप्टेशन की बात करेंगे तो डेजर्ट लिजर्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, डेजर्ट लिजर्ट क्या करता है, गर्मी में बरों में चला जाता है, ठंडी में जाके धूप सेकते रहता है ना। तो ये एडाप्टेशन की बात की। अच्छा, एक एडाप्टेशन आपको देखता है कंगारू रैट का, कंगारू रैट क्या कर रहा है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, तो इससे क्या हो गया, वाटर बाय प्रोडक्ट निकलता है, तो बिना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर के भी वो सर्वाइव कर लेता है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, कौन सा अडाप्टेशन हुआ ये तुम्हारा फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन हुआ, है ना, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। ठीक है, डेजर्ट प्लांट में क्या है, देखो थिक क्यूटिकल ऑन लीव सरफेस मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन है ना। स्टोमाटा अरेंज इन डीप पिट्स, गड्ढा, शंकन स्टोमाटा कहते हैं, ताकि वाटर लॉस नहीं हो, ये भी मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन है। ठीक है, कैम पाथवे बताया, फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन है। ठीक है, और ओपुंशिया में लीव्स नहीं है, ये भी मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन। ठीक है, उसके बाद मैमल्स में मैंने क्या कहा, मैमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट हैव शॉर्ट ईयर्स टू रिड्यूस ईयर हीट लॉस, मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन है। एक्वाटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशन है, बिलो द स्किन टू एक्ट एज इंसुलेटर्स। ठीक, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अडाप्टेशन कैसे कैसे है, आर्की बैक्टीरिया आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, कैसे, इनके जो इंजाइम्स हैं वो डीनेचर नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर, क्यों, इनके पास एंटी फ्रीज प्रोटीन होते हैं। मैनी मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ, ताकि प्रेशर को वो इक्वलाइज कर पाए। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब हाई ऑल्टीट्यूड पे आप जाते हो, कभी तुम देखो अचानक से हाई ऑल्टीट्यूड पे जाओगे, तो हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ऑक्सीजन कम होता है तो इसकी वजह से आपको नॉजिया फील होता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्लेमेटाइज करने के लिए आपका बॉडी क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनाना बढ़ा देता है। तो इससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन बाइंड करने की चांसेस ज्यादा होंगे, तो इसीलिए हायर ऑल्टीट्यूड पे जो लोग रहते हैं उनका हीमोग्लोबिन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, बिहेवियरल एडाप्टेशन की बात करें तो क्या है भैया, डेजर्ट लिजर्ड बैस्क इन सन टू एब्जॉर्ब हीट व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज लो, और शेड में चला जाता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, खरगोश देखो बरो बनाते हैं, सांप बरो बनाते हैं ताकि ग्राउंड हीट से वो बच पाए, क्लियर है। तो ये तुम्हारा हो गया बिहेवियरियल अडाप्टेशन। ठीक, अब बात करते हैं पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन क्या होता है।
तो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज जो एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, शेयर और कंपीट सिमिलर रिसोर्सेस एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन आबादी है ना, तुम देखते होगे ना एक स्पीसीज की आबादी है ना, जैसे ह्यूमंस की आबादी है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, रिसोर्स भी शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट पॉपुलेशन इज। ठीक है, जैसे ऑल द कॉर्मोमेंट्स इन वेटलैंड, रैट्स इन अबैंडन ड्वेलिंग, टी कुड, ट्रीज इन फॉरेस्ट, बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, सब तुम्हारा क्या है, सब पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो इसीलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है, इसको प्लीज मेंशन कर दीजिए। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी, क्यों, ये इकोलॉजी को लिंक करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। ठीक, क्या क्या एट्रीब्यूट है पॉपुलेशन के, तो देखो ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, और ऑर्गेनिज्म का सेक्स होता है, मेल या फीमेल। ठीक है, बट पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट होगा, डेथ रेट होगा, और सेक्स रेशियो होगा। बर्थ रेट क्या होता है, तो क्या भैया, तो रेफर टू द पर कैपिटा बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर, तो बर्थ रेट है। ठीक है, जैसे इन अ पॉन्ड 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर थे और रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट आए, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स बाय टोटल प्लांट्स। ठीक है, तो कितना हो गया, 8/20, दैट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर ईयर। डेथ रेट में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ बाय टोटल डेथ, तो ये डेथ रेट निकल जाता है। इसको निकालने के लिए सिंपल है, तुम्हारा फॉर्मूला लग जाता है, नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल बर्थ, नंबर ऑफ डेथ बाय टोटल डेथ, दोनों डेथ रेट और बर्थ रेट निकलता है। सेक्स रेशियो क्या है भैया, मेल कितना है फीमेल कितना है, तो परसेंटेज में निकलेगा, तो उसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, हम एक एज पिरामिड भी बनाते हैं। एज पिरामिड मतलब कि हम ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से तीन पार्ट सर, सबसे पहला होता है, इसको हम कहते हैं प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज में जो है, और उसके बाद तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब क्या हुआ, लेस देन 15 ईयर, रिप्रोडक्टिव मतलब क्या हुआ, 15 साल से लेके 40 साल तक, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव मतलब क्या हुआ, मतलब 15 साल से लेके 50 साल कर लो। ठीक है, और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला फेज आ जाएगा 50 साल से ज्यादा। तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव की आबादी सबसे ज्यादा है तो ये कैसा बना, ये बना पिरामिड या ट्रायंगल के फॉर्म, तो ये कौन सा है, ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ऐसी आबादी एक्सपेंडिंग कर रही है, इंडिया जिसका एग्जांपल हो जाएगा, है ना, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। वहीं अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग सेम हालत पे चला गया, प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग सेम हाइट पे चला गया, सेम नंबर पे चला गया है, तो इस तरह के पिरामिड को हम कहते हैं, इस तरह के पिरामिड को हम कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। ठीक, ये कैसा होगा, इसको हम कहेंगे बेल शेप्ड। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा कौन कौन सा, चाइना अब स्टेबल हो गया है, ठीक है, यूएसए अब स्टेबल हो गया है, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आता है डिक्लाइनिंग, कि प्री रिप्रोडक्टिव छोटा है सबसे, रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे छोटा। तो ये तुम्हारा हो गया डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री ऐसे दिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल तुम्हारा आ गया जापान, जर्मनी, लोग बच्चा पैदा नहीं कर रहे, है ना, तो ये डिक्लाइनिंग होता है। किस शेप का होगा, ये अर्न शेप। ठीक है, तो ये तुम्हारा एज पिरामिड डिटरमाइन करता है। तो क्या है भैया, स्ट्रक्चर ऑब्टेन व्हेन एज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल गिवन एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, एज पिरामिड जनरली शोज
एज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मेल एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। ठीक है, तो यही देखो, एक्सपैंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, पिरामिड हो गया, ये बेल शेप्ड हो गया, और ये अर्न शेप्ड हो गया। ठीक है, तीनों पे सवाल आया हुआ है, क्लियर है। अब आते हैं पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं। साइज, तो इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और स्पीशीज पर यूनिट एरिया वॉल्यूम, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ साइबेरियन क्रेन इन भरतपुर लेस देन 10 है, वही क्लमाइडोमोनास एक पॉन्ड में तुम्हारा बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन साइज इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ परसेंटेज कवर ऑफ बायोमास। जैसे इन एन एरिया इफ देर आर 200 पार्थिनियम प्लांट बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री, तो भैया किसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री का ज्यादा होगा। बोलोगे कैसे सर, नंबर तो पार्थिनियम ग्रास का ज्यादा है। तो इसीलिए हम सिर्फ नंबर नहीं लेते हैं, हम बायोमास कंटेंट भी ले लेते हैं, कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। तो वही वाली बात हो गई ना कि एक कप में खूब सारे 1 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वही एक हाथी घूम रहा है, तो भैया हाथी का तो ज्यादा हुआ ना डेंसिटी, क्योंकि ज्यादा साइज है, तो उस हिसाब से तुमको रिलेटिव रेशियो लेना पड़ता है। ठीक है, ठीक है सर, तो यही वाली बात यहां पे कर दी। ठीक है, अच्छा एक और चीज बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज डिफिकल्ट टू फाइंड फॉर अ यूज पॉपुलेशन। तो हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी के बदले हम एक चीज यूज कर देते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। कैसे सर, कैसे सर? तो बेसिकली मान लो कि हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि एक नदी है, गंगा है, तो गंगा जी में मछली हम पकड़ रहे हैं, तो लेट्स से 100 मछली हमने 10 मिनट में पकड़ा, तो उसके हिसाब से हम रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम पूरा इतना नहीं है कि हम पूरे गंगा में कितनी मछली ये कैलकुलेट नहीं किए, हम रिलेटिवली कैलकुलेट कर लिए कि अच्छा ठीक है, इतने एरिया में इतना मछली पकड़ा गया तो पूरे एरिया में इतना मछली होगा। ठीक है, सेम हम करते हैं टाइगर सेंसस के लिए भी कि टाइगर कितने हैं। तो क्या करते हैं भैया, हम टाइगर के केस में हम देखते हैं पग मार्क, पंजों के निशान कितने हैं, या फीकल पैलेट कितनी पॉटी की है। अब मान लो तुम टाइगर को गिनने गए, अच्छा टाइगर नंबर 1, टाइगर नंबर 2, टाइगर नंबर 3, गिने तुम टाइगर को, बट गलती से टाइगर ने तुम्हें गिन लिया तो तुम गिनने लायक नहीं रहोगे ना। तो इसीलिए टाइगर के केस में हम पग मार्क्स और फीकल पैलेटें देखते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ पे है। तो इन सम केसेस इनडायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन साइज इज परफॉर्म, जैसे टाइगर सेंसस में नेशनल पार्क में क्या होता है, हम पग मार्क्स या फीकल पैलेट देखते हैं। क्लियर है, क्लियर है सर, बड़ा। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। द पॉपुलेशन साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, प्रीडेशन, प्रेशर एंड वेदर में चेंजेस। ठीक है, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी गिव्स आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन, वेदर द पॉपुलेशन इज फ्लरिशिंग या डिक्लाइनिंग, ये पता चल जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज है जो पॉपुलेशन डेंसिटी डिटरमाइन करता है? सबसे पहला आ गया सर नेटैलिटी, नंबर ऑफ बर्थ इन अ पॉपुलेशन, तो इसको नेटैलिटी कहते हैं। दूसरा हो गया मोर्टैलिटी, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन, इसको मोर्टैलिटी कहते हैं। तीसरा हो गया इमिग्रेशन, कितने लोग बाहर से उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। और चौथा हो गया एमिग्रेशन, एमिग्रेशन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु हैव लेफ्ट द हैबिटेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, नेटैलिटी हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, मोर्टैलिटी हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा, इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा, और एमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा। ठीक है, तो नेटैलिटी एंड इमिग्रेशन इंक्रीजेस पॉपुलेशन डेंसिटी, और मोर्टैलिटी और एमिग्रेशन डिक्रीजेस पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, ठीक, तो यही देखो, नेटैलिटी बढ़ा रहा है, इमिग्रेशन बढ़ा रहा है, मोर्टैलिटी घटा रहा है, इमिग्रेशन है ना। तो यही कहा कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर एन एट अ टाइम टी टी है, ठीक है, तो एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन
टी प्लस क्या, हम ये लिख सकते हैं बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई, या हम ऐसा लिख सकते हैं एन टी प्लस बी माइनस डी प्लस आई माइनस ई, है ना। मतलब पॉपुलेशन एट टाइम एन टी प्लस वन इज इक्वल टू पॉपुलेशन एट टाइम एन टी प्लस जितना बर्थ हुआ, जितना इमिग्रेशन हुआ, माइनस जितना डेथ हुआ, जितना एमिग्रेशन हुआ। क्लियर। नए कॉलोनाइजिंग हैबिटेट के लिए कोई एक नया कॉलोनी बनाया तो वहां पे इमिग्रेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर शो करेगा फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, नए हैबिटेट के लिए इमिग्रेशन ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर शो करेगा फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर। अब पॉपुलेशन के ग्रोथ का मॉडल समझते हैं। तो दो तरह का ग्रोथ मॉडल होता है, एक को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अगर तुम्हें आज मैं बोल दूं कि तुम्हें कोई काम नहीं करना बेटा, फ्यूचर का चिंता मत करना, तुम्हें बस दो काम करना है, खाना है, सेक्स करना है, तो क्या होगा, तुम्हारी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कब होता है? जब फूड रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगी, आबादी एक्सपोनेंशियल बनती है। 1 से 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 बनेगी, ना ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन शो करेगा। और आपको इवेंचुअली जो पॉपुलेशन ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको ऐसे जे शेप्ड कर्व दिखेगा, मतलब पॉपुलेशन स्काई रॉकेट करेगा। ठीक है, तो इफ रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड ईच स्पीशीज शो फुल इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, तो ये एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल फैशन पे ग्रो करेगा। ठीक है, तो इफ पॉपुलेशन साइज एन, बर्थ रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी एन डी, तो क्या होगा, तो डी एन बाय डी टी, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। अब बी माइनस डी को हम लिख सकते हैं आर, तो हम इसको लिख सकते हैं आर एन। आर क्या हो गया, आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बर्थ माइनस डेथ मानोगे तो इंक्रीज पता चल जाएगा, तो उसको हम आर कहते हैं। तो आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये किस केस में हो रहा है सर, ये उस केस में हो रहा है जब मेरा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। जब मेरा ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है तो उस केस में तुमको हम क्या देखने को मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, जिसको हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जे शेप्ड कर्व। बट क्या आपकी जीवन इतनी रंगीन है? नहीं सर, आपकी जीवन इतनी रंगीन नहीं होती है। तो भैया एक्चुअल कर्व कौन सा होता है, तो एक्चुअल कर्व जो होता है उसको हम कहते हैं वंस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। क्या होता है इसमें सर, इसमें ऑर्गेनिजम्स के आपस में बीच में कंपटीशन हो रहा है, एंड देर इज अ थिंग कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी एक इकोसिस्टम का, कि भैया मैं इतना ही पॉपुलेशन रख सकती हूँ, उसके बियॉन्ड पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो सकता, तो उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस केस में जो ग्राफ बनता है पॉपुलेशन डेंसिटी वर्सेस टाइम का, तो पहले तो एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा और उसके बाद इवेंचुअली वो कैरिंग कैपेसिटी के पास जाके एक सिग्मोइड कर्व बना देगा। तो ये जो कर्व होता है इसको हम कहते हैं सिग्मोइड, ये वेंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन इन टू कैरिंग कैपेसिटी डाल दो के माइनस एन बाय। ठीक है सर, ठीक है सर। आर का वैल्यू देखो क्या क्या होता है, नॉर्वे रैट का 0.015, फ्लोर बीटल का 0.12, और ह्यूमन पॉपुलेशन का 0.0205। 1981 में था ये, ठीक है अभी बदल गया होगा। ठीक, इंटीग्रल फॉर्मेट में निकालोगे तो क्या होगा, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई अपॉन आर टी। ठीक है, इस पे कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आता नहीं है, सिर्फ ये वाले पे और डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन पे आपका आ जाता है। तो ये वंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व दिखा रहा है, ये दूसरा वाला, ये वाला, और ये वाला जो है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व दिखा रहा है। ठीक है सर, तो वही बात है कि वेन द रिसोर्स इज नॉट लिमिटिंग तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व दिखेगा, जब रिसोर्स लिमिटिंग है तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व
मिलेगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी के बाद देखो, जब एन इज इक्वल टू के आ जाता है तो इसको हम कहते हैं एसिम्प्टोट, और इस केस में जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है। इस पे सवाल आया हुआ था, मतलब जब कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच गया तो उसके बाद थोड़ी ग्रोथ हो पाएगा पॉपुलेशन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है, तो उसको हम एसिम्प्टोट या स्ट्रेट लाइन कहते हैं। या इसको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एन बाय के इक्वल टू वन है तो भी एसिम्प्टोट होता है, ठीक है। चलिए, तो यही लॉजिस्टिक ग्रोथ कब देखिए, तो देर इज नो पॉपुलेशन इन नेचर विथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, लीड्स टू कॉम्पिटिशन अमंग इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो इन अ नेचर अ गिवन हैबिटेट हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ अकर्स, इस ग्रोथ को हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो कौन सा है, वंस पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये। तो एन इज पॉपुलेशन एंड डेंसिटी एट टाइम टी, आर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, के कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। सिंस रिसोर्स फॉर ग्रोथ मॉडल ऑफ मोस्ट एनिमल आर फाइनाइट, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज मोर रियलिस्टिक वन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलता, ठीक है। तो पॉपुलेशन वेरिएशन आपने समझ लिया। अगला आते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। तो भैया क्या, तो पॉपुलेशन इवॉल्व्स टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस और डार्विनियन फिटनेस, तो ये बोलते हैं वैल्यू ऑफ आर। तो जितना ज्यादा आर होगा उतना ज्यादा फिट है, उतना ज्यादा वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जैसे सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जैसे पैसिफिक सैमन फिश या बैम्बू, तो ये क्या होगा, एक बार में बहुत सारा बच्चा पैदा करेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉल साइज के बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, ऑयस्टर्स, पेलागिक फिश, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है स्मॉल नंबर के लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है सर, कि अगर मान लो छोटा साइज का बच्चा बहुत सारा प्रोड्यूस करे, बहुत बच्चा मर जाएगा, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ बच्चा ज्यादा पैदा करना पड़ेगा, है ना। सेम यहीं पे, कि अगर मैं एक ही बार ब्रीड कर रहा हूँ अपने जिंदगी में, तो जब मैं ब्रीड कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे बच्चा पैदा करूंगा, ताकि मेरी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बनी रहे, मेरे आर का वैल्यू हाई रहे, ठीक है। तो दिस फैक्ट इंडिकेट्स दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व ड्यू टू लिमिटेड ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अभी तक तो जो हमने पार्ट देखा वो इंपॉर्टेंट था, बट अभी जो पार्ट देखने वाले हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इस पे सवाल आया हुआ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकली टॉपिक है आपके पूरे नीट एग्जाम में, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, आपस में दो पॉपुलेशन कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दो पॉपुलेशन अगर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और दोनों का भला हो रहा है तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों का नुकसान हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिशन, एक का भला एक का नुकसान हो रहा है तो प्रिडेशन, एक का भला एक का नुकसान हो रहा है तो पैरासिटिज्म। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में बस डिफरेंट इतना है कि प्रीडेटर सिर्फ खाता है प्रे को, पैरासाइट उसी प्रे पे रहेगा और उसी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। एक का भला हो रहा है दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, कमेंसलिज्म, एक का नुकसान हो रहा है दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा, एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, ठीक है। तो भाई, तो ऑर्गेनिजम्स इंट्रैक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, जैसे प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, एंड जो इंट्रैक्टिव स्पीसीज हैं वो आपस में क्लोजली रहते हैं, तभी तो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन शो कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आते हैं प्रीडेशन की बात करते हैं। तो इन अ ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑल कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एक्सेट्रा आर प्रीडेटर्स। अब बोलोगे हर्बीवोर कैसे प्रीडेटर हो गया, बेटा प्लांट खा रहा है ना, तो सब प्रीडेटर है, ठीक। अबाउट 25% ऑफ इंसेक्ट्स आर फाइटोफैगस, जो प्लांट को फीड करती है, ठीक है। इफ अ प्रीडेटर एक ओवर एक्सप्लॉइट्स इट्स प्रे, द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। तो इसीलिए प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट इन नेचर होता है, ये ओवर एक्सप्लॉइट प्रे को नहीं करते, ताकि उनके पास प्रे का सफिशियंट सप्लाई हो जाए। जैसे शेर, मान लो एक बार उसने शेर हिरन खा लिया, अब वो 2-3 दिन तक रेस्ट करेगा, चिल मारेगा, ये नहीं कि फिर से खूब सारे हिरन खा लें, ठीक है। तो इसीलिए प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर, दे आर क्लेवर, दे मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, और जितनी जरूरत है उतना ही खाते हैं, इंसानों की तरह नहीं है कि अपना भी खा लिया दूसरे का भी खा लिया, राइट। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रीडेटर का, पहला प्रीडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, कैसे, कि भैया
औकात में रखता है। अब मान लो कि शेर ही नहीं रहेगा तो खूब सारे हिरण हो जाएंगे, खूब सारे गाय भैंस हो जाएंगे, है ना, तो प्रीडेटर उसको कंट्रोल में रखता है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि एक प्रिकली पियर कैक्टस था, ऑस्ट्रेलिया में लाया गया उसको 1920 में ऐसे सजावट के लिए। बट इस कैक्टस का कोई प्रीडेटर ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, तो वो कैक्टस सब जगह ग्रो कर गया और बहुत परेशान किया ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों को। तो बाद में फिर बोले कि अच्छा रुको, डैडी को बुलाना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, इसका जो नेचुरल प्रीडेटर उस एनवायरनमेंट का था उसको भी ऑस्ट्रेलिया ले आया। तो फिर उस जो कैक्टस था उसका पॉपुलेशन कम हुआ। तो इसको एक मौत था जो कैक्टस को खाता था और उसकी वजह से फिर उसका पॉपुलेशन कम। ठीक, दूसरा क्या, स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करके रखता है कम्युनिटी में। ठीक है, जैसे एक प्रीडेटर है जिसको कहते हैं स्टारफिश पिशास्टर, ठीक है, ये प्रीडेटर है। तो क्या किया हमने, रॉकी इंटरटाइडल एरिया में से पिशास्टर को हटा दिए। तो जैसे पिशास्टर को हटाए एक एरिया में से, तो हमको दिखा कि 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट गए, क्योंकि इन्होंने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। प्रीडेटर था तो एक बॉस था, तो ये लोग शांत बैठे थे, है ना। तो यही वाली बात है कि प्रीडेटर क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी भी मेंटेन करके रखता है। दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्रिकली पियर कैक्टस वाला एग्जाम्पल और पिशास्टर वाला। ठीक है, पिशास्टर क्या हुआ, एक प्रीडेटर था, स्टारफिश होता है, उसको एक एरिया से मैंने हटा दिया, तो वहां पे 10 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म प्रे कैसे बनाता है कि प्रीडेटर से बच पाए, पहला कैमोफ्लेज करता है अपने आप को, एटमॉस्फेयर के हिसाब से छिपा लेता है। ठीक है, सम आर पॉइजनस तो अवॉइडेड बाय प्रीडेटर, जैसे मोनार्क बटरफ्लाई है, वो बहुत खराब टेस्ट है उसका, तो प्रीडेटर उसको खाता नहीं है। क्यों, कैसे होता है इसका, कि बचपन में ही वो क्या होता है, कैलोट्रोपिस पे फीड कर जाता है, तो इसको टेस्ट खराब होता है, तो इसको प्रीडेटर खाता नहीं। फॉर्म्स किसी में कांटा बना लेता है जिससे उसको नहीं खा पाएगा। कुछ प्लांट जो है वो जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इससे क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म उसको खाया या कोई कैटल उसको खाया तो उसको अजीब सा लगता है, तो दोबारा फिर उसको नहीं खाएगा। जैसे तुमने मान लो करेला खाया और तुमको उल्टी आ गया, तो तुम दोबारा करेला नहीं खाना चाहोगे। तो वही चीजें यहाँ पे, जैसे निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, स्ट्रिंचिन हो गया, ये सब तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म के फॉर्म के लिए बना था अगेंस्ट ब्राउजिंग कैटल। ठीक है, ठीक है सर, तो ये तुम्हारा प्रिडेशन खत्म हो गया। ठीक, दूसरा आता है कॉम्पिटिशन। अगेन कॉम्पिटिशन कैसा इंट्रैक्शन था, माइनस माइनस। तो इंट्रैक्शन वेयर द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज, है ना, दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं, दोनों का नुकसान हो रहा है, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस दोनों स्पीशीज का कम होगा। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन से क्या होगा, आपस में एक स्पीसीज उड़ सकता है, बट इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की मदद से नए स्पीसीज इवॉल्व होते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन अकर्स वेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्स, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कम्पीट करें, बहुत दूर के रिलेटेड स्पीसीज भी कम्पीट करते हैं, जैसे फ्लेमिंगोस एंड फिश, दोनों एक बर्ड है एक मछली है, दोनों कम्पीट करता है कॉमन रिसोर्स, दैट इज जू प्लैंकटन। ठीक है, कॉम्पिटिशन अकर्स इन अबंडेंट रिसोर्स ऑल्सो। अब देखो, कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है कि रिसोर्स कम रहेगा तभी कॉम्पिटिशन होगा, अबंडेंट रिसोर्स है तब भी कॉम्पिटिशन होगा। जैसे मान लो कि पापा घर पे 10 मिठाई लाए, ठीक है, तुम लोग दो ही लोगों घर पे, तुम लोग सारा पांच पांच नहीं खा पाओगे, बट फिर भी हमें लगेगा, हम गए फ्रिज में, गए खोले फ्रिज, एक गोलगप्पा खा लिए, है ना, चुपके से, क्यों, हमको ज्यादा खाना है। तो रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी चुल चुल में हम कॉम्पिटिशन शो करते हैं, तो ये कॉम्पिटिशन अकर्स इन अबंडेंट रिसोर्स ऑल्सो। ठीक है, इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन इज वन इन विच द फीडिंग हैबिट ऑफ वन स्पीसीज रिड्यूसेस इन प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। ठीक है, क्या एविडेंस है कॉम्पिटिशन का, तो जब आइलैंड ऑफ गैलेपागोस में आर्बिंगडन टॉर्टोइस थे, ठीक है, जैसे वहां पे गोट्स इंट्रोड्यूस किए गए, तो आर्बिंगडन टॉर्टोइस मर गए,
खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आल्बिनो टॉर्टॉइस बेचारा धीरे धीरे घास खाता था, बकरी ने जल्दी से सारा घास खा लिया। तो ये शो करता है कॉम्पिटिशन की वजह से एक स्पीसीज चला गया, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसने बोला था ये गॉज ने बोला था, ठीक है। दूसरा चीज होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या? कि मान लो कि एक सुपीरियर बार्निकल था जिसका नाम था बेलेनस, तो अगर मैंने इंटरटाइडल एरिया से बेलेनस को हटा दिया तो जो छोटू स्पीशीज था दैट इज कैथालमस, इसकी आबादी बढ़ गई, इसकी आबादी बढ़ गई। इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कि एक मतलब तुम्हारे घर पे क्या है, तुम्हारा भाई कोटा पढ़ने चला गया तो तुम्हारा बॉसपंती घर पे बढ़ जाता है ना, तो इसी कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कि प्रेडेटर गया तो हम चौड़े हो जाएंगे। तो जो सुपीरियर था प्रेडेटर दैट इज बार्नेकल जिसको बेलानस कहते थे, बेलानस को हटाया तो कैथालमस का आबादी बढ़ गया, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन यही कहता है कि व्हेन टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज एक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगा। बट नेचर इस बात को नहीं मानती। नेचर क्या मानती है? नेचर मानती है रिसोर्स पार्टीशनिंग को, नेचर मानती है को एग्जिस्टेंस को, मतलब कि दो स्पीशीज आपस में भाईचारा के साथ रहें। तो इफ टू स्पीशीज कंपीट फॉर द सेम रिसोर्सेस तो ये कंपटीशन अवॉइड कर सकती है बाय डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न, है ना। मतलब बंटवारा कर लो ना, दिन में तुम खाओगे रात में हम खाएंगे, या कुछ इस तरह से। तो मैकआर्थर ने दिखाया था कि पांच क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वॉबलर थे जो रिसोर्स पार्टीशनिंग दिखाते थे, और इससे वो एक ही पेड़ पे आराम से रह पाते थे। तो नेचर क्या सपोर्ट करता है? को एग्जिस्टेंस सपोर्ट करता है, नॉट कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ठीक है। तो मैकआर्थर ने बोला था रिसोर्स पार्टीशनिंग, गॉज ने दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। क्लियर है? सब पे सवाल आया हुआ है इसलिए मैं बहुत स्पेसिफिकली तुमको मेंशन कर रहा हूं। अगला हो गया सर पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स क्या होते हैं भैया? पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, तो अगर होस्ट में कोई चेंज आ रहा है तो पैरासाइट भी उसी हिसाब से इवॉल्व करेगा। पैरासाइट होस्ट पे रहेंगे भी और होस्ट से न्यूट्रिशन भी लेंगे, ठीक है। तो पैरासाइट में एडाप्टेशन क्या क्या हो जाता है? लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, जरूरत ही नहीं है उसको। एडेसिव ऑर्गन प्रेजेंट हो ताकि वो होस्ट के साथ चिपक पाए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है, खाना होस्ट से ले रहा है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दिया ताकि अपना बच्चा बहुत सारा प्रोड्यूस कर पाए। लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है इसका दो इंटरमीडिएट होस्ट है, क्या? पहला है स्नेल और दूसरा है फिश, तब ये पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। मलेरिया पैरासाइट में भी दो होस्ट है, मॉस्किटो और हम इंसान, ठीक है। तो पैरासाइट नुकसान पहुंचाता है होस्ट को, दे में रिड्यूस द सर्वाइवल पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, ठीक है। तो ये पैरासाइट होता है। कैसा कैसा पैरासाइट होगा? पहला है एक्टो पैरासाइट, अगर तुम्हारे बॉडी के बाहर रह रहा है तो उसको हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी रह रहे, जैसे लाइस हो गया, टिक हो गया, है ना। एक्टो पैरासाइट कोपेपॉड पाया जाता है मेराइन फिश में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कसकटा पाया जाता है हेज प्लांट में, तो कसकटा के पास क्या है? क्लोरोफिल लीव्स नहीं है, बट वो प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। फीमेल मॉस्किटो देखो पैरासाइट नहीं है, शी इट इज अ वेक्टर, है ना, इट इज अ प्रीडेटर, क्योंकि मॉस्किटो तुम्हारे शरीर पे रह नहीं रही है तो वो पैरासाइट नहीं है। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहेगा, जैसे तुम्हारा लिवर फ्लूक बताया गया तुमको, ठीक है। दे हैव सिंपल मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स एंड हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो बॉडी के अंदर जो रह रहा है वो एंडो पैरासाइट है, बॉडी के बाहर जो रह रहा है वो एक्टो पैरासाइट है। एक और तरह का पैरासिटिज्म दिखता है जिसको हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जैसे कोयल बर्ड है तो कोयल बर्ड अपना घोंसला नहीं बनाएगी, वो जब कौआ अपना घोंसला बनाएगा तो उसके घोंसले में जाके अपना अंडा देती है और कौआ का अंडा फेंक देती है, ठीक है। तो द पैरासिटिक बर्ड्स लेज एग इन द नेस्ट ऑफ द होस्ट एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। अब कोयल का अंडा और कौआ का अंडा एक जैसा दिखने लगा है ताकि रिजेक्शन के चांसेस इसके थोड़े कम हो, ठीक है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म बिटवीन कुकू एंड क्रो, ठीक है।
अगला आते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है सर? कमेंसलिज्म में क्या आ गया तुम्हारा? इट इज अ पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन, मतलब एक का भला हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एग्जाम्पल, ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ब्रांच, तो मैंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्किड को सनलाइट मिल गया। बार्निकल ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ व्हेल, व्हेल को क्या फर्क पड़ता है? कैटल इगरेट ऑन ग्रेजिंग कैटल, तो बेसिकली क्या होता है कि कैटल इगरेट क्या होता है, कैटल पे बैठ जाता है और जब कैटल चलता है तो काउ डंग में छेद करते जाता है, तो उससे कीड़ा निकल जाता है, उस कीड़े को कैटल इगरेट खा लेता है। ठीक है, सी एनिमोन और क्लाउन फिश, तो सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्लाउन फिश को रहने का जगह मिल जाता है, सी एनिमोन का टेंटेकल्स उसको बचा के रख लेता है, तो ये कमेंसलिज्म हो गया। ठीक है, एमेंसलिज्म की बात करेंगे। तो जैसे पेनिसिलिन तुम्हारा एमेंसलिज्म है ना, एक को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे, तो म्यूचुअलिज्म में क्या हुआ भैया? हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मतलब इट इज एन ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप, याद रखना ऑब्लीगेटरी, एक दूसरे के बिना मर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे लाइकेंस किसके किसके बीच में है? फंगस और एल्गे के बीच में है। माइकोराइजा फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के बीच में है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी दिखता है, किसमें? फिग ट्री और वास्प के बीच में, फिग ट्री का पॉलिनेशन करता है वास्प और वास्प को अंडा देने का जगह मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्किड्स के केस में होता है, बम्बल बीज को क्या होता है कि अट्रैक्ट करता है और ऑर्किड्स फ्लोरल रिवॉर्ड उसको देता है। ठीक है, अच्छा एक और तरीका होता है वहां पे, इसको कहते हैं हम सेक्सुअल डिसीट बाय ओफायरस। एक मेडिटेरियन ऑर्किड होता है जिसको ओफायरस कहते हैं, तो ये क्या बोलता है कि भैया सब लोग तो खाना पीना दे रहे हैं, मैं सेक्स दूंगी। तो क्या करता है कि इसका जो फूल होता है उसका एक पेटल ये फीमेल बी की तरह होता है, तो तुमको एक्चुअली लगेगा कि उस फूल पे फीमेल भी बैठी है, तो यहां पे मेल भी आएगा। लौंडे जानते हो कैसे होते हैं, जहां लड़की देखी वहां पहुंच गया, और जाके ये उस फ्लावर के साथ ही सेक्स करके आ जाता है, उसको कॉपुलेट करा देता है। ठीक है, और इसी चक्कर में उसका पॉलिनेशन हो जाता है, तो स्यूडो कॉपुलेशन इसको कहते हैं। बहुत लोग बोलेगा कि सर ये तो कमेंसलिज्म नहीं हुआ, बी का क्या भला हुआ? अरे बी को सुख तो मिला ना, है ना, कुछ तो उसको फील आया, तो तभी तो वो कर रहा है, इसलिए ये म्यूचुअलिज्म है। ठीक है, तो इफ द फीमेल बीज कलर पैटर्न चेंजेस स्लाइटली ड्यूरिंग एवोल्यूशन, तो पॉलिनेशन में दिक्कत आ जाएगा, तो ऑर्किड फ्लावर को भी इसी के हिसाब से, फीमेल बी के हिसाब से अपना पेटल का कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो देखो म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वॉस्प, और दूसरा ऑर्किड एंड बम्बल बी। तो देखो अब ये देखो, ये दिख रहा है, तो इसका जो तुम्हारा एक लीफ है वो बिल्कुल बी की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो हो गया आपका चैप्टर का द एंड। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन के सारे एग्जाम्पल जो मैंने बताए वो सारे एग्जाम्पल अच्छे देख लीजिएगा, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपका चैप्टर बहुत कम टाइम में हमने खत्म करा दिया। थैंक यू।